गुरुग्राम न्यूज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि कोई खबर रह ना जाए। नमस्कार, मैं हूं मन्नू मेहता और स्वागत है आपका गुरुग्राम न्यूज में, जहां दिखाई जाती हैं खबरें आपके शहर की। मूलभूत सुविधाओं के लिए या अन्य मुद्दों के लिए देश भर में प्रदर्शन तो आपने काफ़ी देखे होंगे कि रोड जाम करने के लिए लोग सड़कों पर आकर खड़े हो जाते हैं, सड़कों के बीच में बैठ जाते हैं, यहाँ तक कि लेट भी जाते हैं। लेकिन गुरुग्राम के गाड़ौली गांव में आज एक अनोखा प्रदर्शन किया गया कि गांव के लोग पीने की पानी की समस्या को लेकर कुर्सियां लेकर रोड के बीच में बैठ गए और हालात ये हो गए कि पटौदी की तरफ से आने जाने वाले जितने भी वाहन थे वो सभी जाम में फंसते चले गए। इस प्रदर्शन की मुख्य वजह थी कि गांव में जो पीने का पानी की सप्लाई हो रही है वो पाइप नाले के ऊपर से जा रहा है और जब बरसात के समय हो या अन्य किसी कारण से नाला ओवरफ्लो हो जाता है तो सारा ये पानी, गंदा पानी, इस पीने की लाइन के माध्यम से गांव में पहुंचता है और यहां के लोगों को मजबूरन दूषित पानी के ऊपर ज़िंदा रहना पड़ता है। हालात ये हो जाते हैं कि गांव के लोग बीमार हो रहे हैं, प्रशासन से कई बार गुहार लगाई है लेकिन जिला प्रशासन इनकी सुनवाई नहीं कर रहा है। एक और जिला प्रशासन कहता है कि हम साइबर सिटी में रह रहे हैं, हाईटेक सिटी है, यहाँ पर कई तरह की ऐप बनाई गई हैं लोगों की सुविधाओं के लिए और हर चीज़ के लिए उन्होंने एक बाकायदा डिपार्टमेंट खोले गए हैं, लेकिन इन लोगों की सुनवाई किसी जगह नहीं हो पा रही है। गांवों को MCG ने अपने अंडर भी ले लिया था लेकिन इन गांवों से टैक्स तो वसूला जा रहा है लेकिन इनको पीने के पानी, जो कि एक जरूरी, एक सभी के लिए ज़रूरी है, वो तक मुहैया नहीं करा पा रहे हैं। इन लोगों से ये भी कहा गया है कि समय पर टैक्स भरिए, प्रॉपर्टी टैक्स भरे जा रहे हैं और मेंटेनेंस चार्जेस तक लिए जाते हैं, लेकिन वो सभी कहाँ जा रहे हैं? ये सबसे बड़ा सवाल MCG के उन अधिकारियों के ऊपर उठ रहा है कि आखिर वो पैसे की बर्बादी कहाँ कर रहे हैं। यदि वो लोगों को मूलभूत सुविधाएं नहीं दे सकते तो वो किस चीज़ के टैक्स लेते हैं? किस लिए इन ग्रामीणों की ज़िंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं? MCG के साथ साथ GMDA का डेवलपमेंट हुआ। GMDA का डेवलपमेंट में जो आसपास के गांव थे, सबसे बड़ा मुद्दा यही था कि इन्हें टेक ओवर करके इनका जो सबसे बड़ा, इनसे यहां से टैक्स भी लिए जाए और इनको, इनकी दशा सुधारी जाए, लेकिन GMDA ने भी आज तक इनकी कोई दशा नहीं सुधारी है और हालात ये हो चुके हैं कि ये लोग आज पानी, पीने के पानी के लिए सड़कों के बीच में कुर्सियां डालकर बैठे हैं। कौन है इसके लिए जिम्मेदार? लेकिन सबसे पहले यहाँ के ग्रामीणों की समस्याएं सुनाते हैं कि आखिर वो आज किन मुद्दों को लेकर सड़क के बीच में बैठे हुए हैं। इस वक्त मैं पटौदी रोड पर गड़ौली गांव के पास हूँ, जहाँ गड़ौली गांव के लोगों ने धरना प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है और रोड जाम कर दिया है। और ये अनोखा प्रदर्शन है कि रोड पर कुर्सी लेकर यहाँ पर कुछ बुजुर्ग बैठ गए हैं। कारण ये है कि गड़ौली गांव में जो पीने की पाइपलाइन है वो डैमेज हो गई है। इससे पहले कई बार वो इस तरह टूटती रही है लेकिन उसका कोई भी इस तरह निवारण नहीं किया जाता उस समस्या का कि वो पूरी तरह से कुछ दिन चल पाए। मैं आपको वो लाइन दिखाना चाहता हूँ पानी की जो गंदे नाले के ऊपर से जा रही है और वो टूटने के कारण अब 4 दिन लगभग हो गए हैं जो गड़ौली गांव में पानी की जो व्यवस्था वो सुचारू रूप से नहीं चल पा रही है। लगातार अधिकारियों को इसकी शिकायत दी गई लेकिन अधिकारी इस बात को सुनने को तैयार नहीं है, ना ही इनकी समस्या का कोई समाधान ढूंढ रहे हैं। वो पाइपलाइन जो देखिए गंदे नाले के ऊपर है ये बैंड हो गई है जिस वजह से इनके इलाके में पानी की जो व्यवस्था है वो बिगड़ गई है, जिस वजह से, और गांव वालों का कहना है कि उच्च अधिकारियों से बात हो चुकी है इस समस्या को लेकर लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं मिला। आज भी सुबह 10 बजे तक इस समस्या का समाधान करने की बात अधिकारियों के द्वारा की गई थी लेकिन कोई समाधान नहीं मिला। अब गांव वालों ने इस परेशानी से दुखी होकर यहाँ पर रोड जाम कर दिया। आप देख रहे हैं कि जो गुरुग्राम से पटौदी ओर जाने वाले जो सारे वाहन हैं वो रुक चुके हैं और पटौदी से गुरुग्राम की ओर आने वाले जो वाहन हैं वो भी रुक चुके हैं। पूर्ण रूप से ये रोड जाम हो चुका है, यहाँ से निकलने वाले वाहनों को आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। जो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं उनसे बातचीत करते हैं, कब से समस्या है सर, कब से समस्या है और किस किस अधिकारी को इसके बारे में सूचना दी गई लेकिन समाधान नहीं मिला है। भाई जेई साहब से भी कल शिकायत हुई है, अपना कौन नाम नहीं जानते, SDO से आज हुई है और हम हाँ और रोज बहाना बना हुए हैं यहाँ। ये 2 दफे टूट चुके हैं, 4 दिन गांव में पानी आए बगैर परेशान है ना। पार्षद कई बार टूट चुका है, तो कई बार टूट चुका है ये पाइपलाइन, तो इसके बारे में ये नहीं कहा गया कि इसको इस तरह से ठीक किया जाए कि आगे समस्या न हो? पीने के पानी तो रोजाना जरूरत होती है। सुनवाई नहीं कर रहे, आवे पहले उसको बोला भाई वे लगाओ,
आप ये गाटर लगा के या इसको खड़ाई हिसाब से नामचारे की प्लेट रखकर वो फिर टूट गई। क्या कमिटमेंट की गई थी, अभी भी आपने शिकायत की ठीक करने के लिए? जो से मेरी बात हुई थी खुद बोला 2-3 घंटे में हो जाएगा, परसों रात को भी बात हुई थी, कल भी हुई थी और आज भी हुई है, सुबह भी बोल रहे हैं लेकिन आ नहीं रहा कोई भी। पार्षद को बोल रहे हैं भाई आप आ जाओ लेकिन करा ही नहीं रहा। क्या उन्होंने क्या बताया सुबह ठीक दे रहे हैं लेकिन आ नहीं रहा कोई भी मौके पे। गंदा जो लोग यहाँ पर कुछ से बैठे हुए उनसे बातचीत करते हैं, सर बार बार ये समस्या होती है, एक महीने में क्या आपने उच्च अधिकारियों से बातचीत की इसको ठीक करो जा सके? एक महीने में 3 बार टूट चुकी है, हमने कहा था इसको यहाँ मत एडजस्ट करो, ऊपर से ले लो या कोई लंबा गाटर लगाओ, लेकिन बस जोड़ जपाड़ के फिर भी टपकता रहा, गंदा पानी भी आता रहा, फिर चलो वो चल रहा था फिर ये 3 दिन से फिर बंद पड़ा है। हाँ जी बिल्कुल ही बंद हो चुका है। हाँ बिल्कुल बंद है, बिल्कुल बंद है। 3 दिन 4 दिन हो लिए अब बंद है, 1 दिन आया था उसका भी पहले जो था 4 दिन पहले बंद रहा, गंदा पानी आवश है, कैमरा लगा रखा है, हमें आने जाने की सुविधा नहीं है, अब हम अपने यहाँ खेत तक तो चले जाए, चलाना आवश है और नाला वो कर दिया, हमें बहुत परेशानी है सबकी, निगम वाला पूछ जाना कोई भी इस काम का। ये है पानी किस तरह, पीने का पानी घर में किस तरह से आ रहा है? पानी बहुत गंदा आ रहा है, पानी तो पीने लायक ही नहीं है बिल्कुल भी, यहाँ तो समस्या ही समस्या है। कितनी सुनोगे, ये हमारे पुलिया टूटने वाला है, जब तक कोई बड़ा हादसा नहीं होगा जब तक इस पुलिया का समाधान नहीं होगा, ऐसे हमारे नाले का जेसीबी लग जाती है बड़ी बड़ी, खरीदना पड़ रहा है बता रहे हैं, पानी है नहीं, समय बोतलें मंगानी पड़ रही है, टैंकर पानी पीते हैं 3 दिन। अब देखना होगा कि जाम जो गांव ग्रामीणों ने लगा दिया है, क्या कोई अधिकारी यहां पर उठकर आएगा, इनकी समस्या को सुनेगा और उसका समाधान निकालेगा। कैमरामैन मोनू के साथ योगेश कुमार, गुरुग्राम न्यूज़। कुल मिलाकर ये समस्या सिर्फ गाड़ोली गांव की नहीं है बल्कि पूरे शहर भर की है, क्योंकि पर जिला प्रशासन पहले से कोई तैयारी नहीं करता है, वरना मॉनसून आने से पहले सभी नालों की सफाई की जाती है, सभी ड्रेन्स की सफाई की जाती है, यहां तक कि उचित प्रबंध किए जाते हैं, लेकिन गुरुग्राम में ये सारे प्रबंध सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह जाते हैं या फिर खर्चे दिखा दिए जाते हैं, वास्तविक में जमीनी हकीकत पर ये कोई भी साबित नहीं होते हैं। ऐसे में खामियाजा भुगतते हैं यहाँ की जनता जो टैक्स भर रही है, खामियाजा भुगतते हैं यहाँ के लोग और फ़ायदा उठाते हैं यहाँ के डॉक्टर जो इनकी बीमारी में इनसे पैसा वसूलते हैं। इस खबर के बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट करके अवश्य दीजिएगा और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी सही समय तक पहुँच सके। नमस्कार। गुरुग्राम न्यूज सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है, हमसे जुड़ने के लिए और शहर की हर अपडेट पाने के लिए हमें अभी फॉलो करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। अगर आप भी अपने इलाके की कोई खबर कराना चाहते हैं तो हमसे इन नंबरों पर संपर्क या व्हाट्सएप कर सकते हैं।